गेमर्स वेलकम बैक टू अदर न्यू एपिसोड ऑफ पाल वर्ल्ड। लास्ट एपिसोड में गेमर्स आपको याद होगा हम लोगों ने एक फार्म बनाया था जहां से हमको अनलिमिटेड अभी मेटल वगैरह मिलता रहता है, और ये जो अंडा लास्ट एपिसोड में हमने यहां पे भाई पकाने के लिए रखा था वो फाइनली इनक्यूब हो चुका है और अभी इसमें से वो अनुबिस निकलने वाला है। अनुबिस वाज बोर्न फाइनली गेमर्स, हमारे पास अभी अनुबिस आ चुका है, लेट्स गो। बॉय साहब कहां पे अनुबिस 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 भाई, मैंने इसके बहुत चर्चे सुने हैं। तो ये है हमारा अनुबिस भाई, इसका लेवल 4 का हैंडलिंग है और लेवल 3 का इसका माइनिंग भी है। ये आ गया अनुबिस भाई, लेवल 4 का इसका हैंडलिंग है, मतलब काफी तेज काम करता है। वैसे देखो, अरे भैंस की, ये अभी कौन आ रहा है रेड करने के लिए, और भाई कितना तेज भी तो है ये देखो। ये करके आई थिंक ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहा है। गाइज मेरे को ना ऐसे 10-15 और अनुबिस चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ ना एक और बार गाइज इनको ब्रीड कराते हैं सेलर एक और अपने इसको रिलैक्सोसॉरस को। इसके लिए आई थिंक मुझे एक और केक चाहिए होगा, एक इसके ओके इसके अंदर का केक खत्म हो चुका है। गाइज 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 एक बार देखता हूँ मैं केक बनाने के लिए क्या चाहिए। केक बना वापस यार, हनी चाहिए दुनिया भर का, ठीक है गाइज, बट अभी ना मेरे को हनी लाना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले अभी ना अभी रेड हो रही है अपने बेस पे, तो यहाँ पे मैंने फोकस ऑन ओके अटैक इन्वर्टर्स कर दिया है, तो भी ये लोग अपने बंदे इनको पेलना शुरू कर देंगे, ठीक है। और मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहता हूँ, इस बार थोड़े से पावरफुल आई थिंक ठग आ रहे हैं। ओके वी आर रेडी, पेलो भाई इनको, काफ़ी सारे आ रहे हैं और ये सारे मेरी तरफ ही आ रहे हैं। ये सारे के सारे लेवल 13 के ठग है, और जैसे जैसे आई थिंक हमारा गाइस लेवल अप होगा ना उस तरीके से ये आई थिंक अनलॉक होंगे, मतलब उतने ज़्यादा लेवल के आएंगे ये बंदे। ओह भाई क्या फाइट चल रही है, बहुत बढ़िया। अनुबिस भी मार रहे हैं ना, भाई क्या पेला पेली चल रही है, अनुबिस भी पेल रहा है इनको। एक बंदा कहाँ पे भाई, वो आई थिंक मर गए। गाइस सारे बंदे मार दिए हम लोगों ने, बहुत बढ़िया, और लूट भी हमको तगड़ी मिलेगी। ओ काफ़ी सारे शेल्स मिल गए, ट्रेनिंग मैनुअल भी 2 मिल गए, यहाँ पे भी थोड़ी सी लूट पड़ी है, कलेक्ट कर लेते हैं। भाई सीरियसली अनुबिस यार सीरियसली काफ़ी फास्ट है, मतलब काफ़ी तेज ट्रांसपोर्ट भी कर रहा है, और हमारा गाइस बहुत सारा फायदा होने वाला है। और मेरे को ना अभी एक और अनुबिस चाहिए, और उसके लिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे इन लोगों की मैं और ब्रीडिंग करवाऊँ, बट उसके लिए मेरे को केक चाहिए, और केक मिलेगा भाई वो हनी से, और ये हनी मेरे को तो भाई इतनी जल्दी मिलता नहीं है। और वैसे भी मेरे को आज के एपिसोड में मुझे वो गन बनानी है, और वो गन बनाने के लिए मेरे पास इंगट्स तो आ गए, लेकिन एक चीज़ की कमी है, जो कि है अपना क्या, किस चीज़ की कमी है, कहाँ पे गई वो गन, अरे वो गन कहाँ पे गई, यहाँ पे या नीचे वाले वर्क बेंच पे, आई डोंट नो, मे भी यहाँ पे गन देखी थी मैंने, गन 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 यहाँ पे तो गन ही नहीं है। अबे वो गन कहाँ पे गई, ये वाले वर्क बेंच पे, ओके यहाँ से तुम लोग रिपेयरिंग करते हैं ना ये वाला, ओके ये भी नहीं है भाई, वो गन कहाँ पे गई मेरे को समझ नहीं आ रहा यार। अबे यहीं पे थी वो गन भाई, कुछ भी मतलब, आर यू सीरियस, मेरे को वो गन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे गाइस लग रहा है ना फिर यार, ठीक है गाइस एक काम करते हैं, फिर ये घर नहीं बनी तो ठीक है, नॉर्मल गन की जगह पे हम लोग दूसरी बनाएंगे। अभी फिर एक काम करते हैं, वो गन अगर यहाँ पे शो अप नहीं हो रही है तो ये मस्केट को अनलॉक करते हैं, इसका अटैक 1000 है, ठीक है अनलॉक कर ही देते हैं। तो ये मस्केट को भी मैंने अनलॉक कर दिया, अभी तो ये यहाँ पे आएगी ना, आ जा भाई प्लीज़ मस्केट, अभी आ गई। बट यार वो नॉर्मल हैंड गन दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, बट ठीक है ये मस्केट बनाने के लिए, और मैं बना सकता हूँ यार इसके लिए तो मेरे पास सब कुछ है, ठीक है गाइस बना देते हैं, ठीक है स्टार्ट प्रोडक्शन। अभी यहाँ पे अपना मस्केट बनेगा, और इसको बनाने के लिए मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा, बट ये अगर अनुबिस आ गया ना, चल जल्दी से यहाँ पे काम करना शुरू कर दे। भाई साहब कितनी तेज गन बना रही है, और इसने बना भी ली भाई, मुझे 2-3 अनुबिस और चाहिए यार, लेट्स गो गेमर्स, हमारी गन बन के तैयार हो चुकी है मस्केट, एंड अभी हम इस गन को यूज़ कर सकते हैं ना। इसका डैमेज भाई 1000 डैमेज है, गन को यूज़ कहाँ पे रखूँ मैं, अभी इसको एक काम करते हैं ये इसके जगह पे रखवाते हैं। अभी मेरे को यार इसको ट्राई करना है, उसके लिए कौन सी गोलियाँ चाहिए, वैसे इसके लिए एमोज कौन सी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी 200 एस की एमोज कोर से एमो, और ये एमोज का भी गाइज मुझे ना अभी वर्क बेंच बनाना पड़ेगा, अभी देखते हैं ये एमोज कहाँ से बनती है, मतलब एमोज का भी वर्क बेंच होगा यहाँ पे। एमोज 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 के लिए क्या बनाना पड़ेगा मुझे, एमोज ओके कोर से एमो ये वाली ओके इसके लिए स्पेशल एमो है भाई, ठीक है मैंने इसको अनलॉक कर लिया। इसके लिए भी गन पाउडर चाहिए, और गन पाउडर किससे बनता है इसको भी अनलॉक करना पड़ेगा, गन पाउडर बनता है चारकोल से, चारकोल और सल्फर, चारकोल कहाँ से, एक सेकेंड यहाँ चारकोल आई थिंक यहाँ से बनता है मैंने देखा था। भाई आग लगा दे और जल्दी से बना दे मेरा चारकोल, ताकि हम लोग अभी गन पाउडर बना के बाद में हम लोग बना पाएंगे गोलियाँ। और इसकी गोलियाँ कहाँ से बनती है, ओके यही से बनती है, और 10 गोलियाँ बनती है आई थिंक एक से, पता नहीं कैसा सीन है, बट अभी हम लोग गोलियों का यूज़ करने वाले हैं भाई, उसका 1000 डैमेज है। बट यार मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, जो हमने लास्ट एपिसोड में ना यहाँ पे देखी थी भाई, वो गन क्यों नहीं आ रही है यहाँ पे, शो नहीं हो रही है वो गन, नॉर्मल पिस्टल गन
जिसका डैमेज 450 था। बट ठीक है कोई नहीं, ये वैसे अनुबिस को मैं अपने पास बुला लेता हूँ। ठीक है भैया अनुबिस यार बहुत फास्ट काम करता है ये, वैसे यहाँ पे काम ओके यहाँ पे काम नहीं कर सकता, ये वैसे नॉर्मली काम करता है। ये अपना चार चारकोल बन गया। और ये यार ये सान, अरे काम करना जाके गधे, आई थिंक इतना ही बनाने को बोला था मैं, अरे मैंने 45 बनाने को बोला है। आई थिंक ये थक गया गधा कहीं का। बट एनी वेज अभी तो अपनी एमोज बन जाएगी ना। गन पाउडर, ओके मुझे गन पाउडर बनाना पड़ेगा। गन पाउडर कितना बनेगा इससे? ओके गन पाउडर 3 बनेगा। चल अनुबिस गन पाउडर बना दिया, अभी देखो कितना तेज बनेगा। ये बन गया क्या भाई? कितनी तेज बना रहा है। आई लव यू अनुबिस भैया, आई लव यू भाई, बहुत बढ़िया। तो ये गन पाउडर बन गया और अभी अपन बनाएंगे ये एमोज। कितने एमोज बनेंगी? ओके ओनली 3 एमोज बनेंगी, ओके 30 बनेंगी। चल अनुबिस काम पे लग जा, अभी देखो ये कितना तेज काम करता है। भाई एमोज बनाने के लिए भी टाइम लगता है, बट अभी बहुत तेज काम हो रहा है और इसका लेवल अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेवल 5 पे चला गया। तो मेरे पास टोटल 105 एमोज आ गई। एंड यहाँ पे इसने थोड़ी सी भाई बना भी दी भाई ने। भाई तू कितना प्यारा है यार, कितना तेज काम करता है ना गाइज, आई जस्ट लव हिम। और यहाँ पे अपना चारकोल भी बन चुका है, तो चारकोल कलेक्ट करके ना मैं स्टोर कर देता हूँ, बाद में अपने को काम आएगा। तो ये चारकोल मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अभी सबसे पहले ना सो लेते, ठीक है? गुड नाइट गाइज। जैसी सुबह हो जाएगी हम लोग निकलने वाले हैं किसी बॉस को पहनने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक तगड़ी गन है। और अनुबिस को अपने साथ लेके नहीं जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है भाई, वो अपने यू नो घर पे यहाँ पे काम करता रहेगा। और वैसे भी मुझे ना थोड़े से गाइज एरोज चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पे मैं मैक्सिमम करके 163 एरोज बनेंगे। चलो अनुबिस अभी देखो ये कितना तेज एरोज बना रहा है, ठीक है? अभी आ जा अनुबिस बाहर, चल बना दे एरो। ओ भाई 12 15 18 20 24 30 37 36 36 आई लव इट भाई, कितना तेज है। सो एरोस बना दिए इसने। ओके बस 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 कैंसिल 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 कैंसिल, मेरे को इतना ही चाहिए, ज्यादा मत बना। अभी हम लोग गाइज यहाँ से जाने वाले हैं हमारा नया बॉस किल करने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से इसको पहले क्या बुशी, क्योंकि ये सस्ता सा ही लग रहा है मेरे को। ठीक है पहले सस्ते वाले पहलते, आज मैं 2-3 बॉस इसको पहलने वाला हूँ, ठीक है? ये हम लोग अभी फास्ट ट्रैवल करके वहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे सिंथेटिक ठग है, इनकी भैंस की लकड़ी भाई, ये लोग हमेशा हर जगह पे होते हैं। चल मेरे को भी उड़ा के लेके चलियो। वो बॉस का आप एक बार दिखा तो दो, मे बी उधर होगा वो बॉस, मैप में एक बार देख लेते हैं। इधर है कहाँ पे भाई? ओके इधर है मेरे को तो, ओके आई थिंक वहाँ पे वो, मुझे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा। ओके ठीक है कोई नहीं। एंड वैसे भी ये वाला जो ड्रैगन है काफ़ी तेज़ उड़ता है, तगड़ा उड़ता है, तो हमको प्रॉब्लम ही होगा। और ये वोलीपू नाम का कोई, इसको कैस पहले क्या, वैसे आई थिंक इसको अभी तक मैंने पकड़ा नहीं है। ये बकरी की तरह दिखता है, आई मीन शीप की तरह। तो उतार दे मेरे को, चल ठीक है, और इसको पकड़ते, ठीक है? आई होप ये पकड़ में आ जाए, गन का यूज़ करें। एक ही गोली में यार मर जाएगा, आधी एचपी चली गई उसकी। एंड पकड़ में आ जा, यस आई होप। ओह डैमेज तो दे रहा है मेरे को 15, ओके हो जाएगा। अरे नहीं एक और बार, अरे तेरी भैंस की, मर जाएगा अगर मैंने अभी मारा ना इसको। एक काम करते हैं, ओके अभी 6% अभी पकड़ में आ जाएगा, एक पकड़ ही लेते, ठीक है ना? पता नहीं करता क्या है बट, अरे नहीं यार तेरी भैंस की, तू तो गया बेटे। अरे यार पकड़ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा क्या है इसमें? ओके आई थिंक मैं इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, ठीक है? तू तो गया बेटे, ओके एक तो पकड़ में आ ही जाएगा भाई, तगड़ा पावरफुल यार। ओह ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैंने। अनुबिस आ जा, ठीक है? चल चाकाल फेल दे यार, खेल खत्म कर दे उसका, ठीक है? मार दियो उसको। मैं काम करता हूँ तब तक, मेरी गन रीलोड करके रखता हूँ मैं इसको। भाई रीलोड करने में ना बहुत टाइम लगता है। ओके मर गया, गन को मुझे हमेशा रीलोड करके रखना है। यहाँ से थोड़ा सा मेरे को ओके क्वार्टर, ओ इनको मारने से हाई क्वालिटी पायलॉल मिलता है, ओ दैट्स नाइस। बट अभी हम लोग गाइस इसके अंदर जाने वाले, ठीक है? लेट्स गो एंटर द डंजन, आई एम सो स्केर्ड, बट अभी हम लोग जाएंगे। ओ भाई बॉस तो ओके यार, ज़्यादा उसकी हेल्थ नहीं है वैसे। चल रॉबिन, ओ ये भाई उसने हैट कितनी तगड़ी पहनी है ना, रीलोड कर दियो जल्दी। ओ भाई टेलीपोर्ट हो सकता है ये, ओ भैंस की, ओ शिट रीलोड जल्दी जल्दी जल्दी। रॉबिन क्विल की हेल्थ जा रही है, ओ भाई ये मेरे को ना कुंफू की तरह लग रहा है, वो जो कुंफू पैंडा होता है ना उस, ओ शिट ओके, ओ मेरे को डैमेज आ रहा है रॉबिन क्विल। अरे रॉबिन क्विल कुछ करे यार, ये पेनकिंग की तरह इसका, ओ भाई टेलीपोर्ट हो सकता है ये। मरा मैं, मरा 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 मरा, नहीं 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 नहीं, अबे रॉबिन क्विल कुछ कर यार, रॉबिन कहाँ पे चला गया? ओके मैंने उसको बुला लिया था गलती से। ओके गाइस 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 भाई ये इसके पीछे भी इसका डैमेज आ रहा है, ओ नो मेरे को तो लगा रही है नूबड़ा होगा। अरे यार साइड में हट जाना रॉबिन गधे, ओके उसका डैमेज, ओके 1400 उसके पास एक बार हेल्थ चली जाए। बट भाई वो टेलीपोर्ट काफी तगड़ा हो रहा है, मतलब डर लग रहा है मुझे तो, रॉबिन डेंजर में है यार यार यार। ओके जा ड्रैगन, ओ भाई वो मेरे पीछे आ गया, मरा मरा गाइस मैं मरने वाला हूँ। ओ शिट ओ शिट ओके
नहीं 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 भाग भाग भाग। ओके ओके ड्रैगन उसको पेल रहा है भाई। गन को रीलोड करते हैं, ठीक है रीलोड कर दियो है जल्दी। ओके क्वाइल की हेल्थ तो है। ओके कम ऑन जल्दी जल्दी, वो फ्रीज हो गया क्या? ओके ओ भाई, अरे क्वाइल कुछ कर यार, क्या नूबड़े पाल से यार ये। आई थिंक मुझे अनुबिस को लाना चाहिए था यहाँ पे, वो कुछ कर देता। और वैसे ना एक सेकेंड खाना खा लेते। ओके ठीक है। ओ नो ओ नो, मरा 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 भाई। गाइस 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 आई एम डेड। नहीं तेरी भैंस की, एक तो गन जल्दी रीलोड होती नहीं है। 1200 हेल्थ, वो टेलीपोर्ट हो। ओके वो मरने वाला है। ओ शिट ओ नो गाइस 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 ही इज सो पावरफुल यार। गाइस मैंने तो उसको नूबड़ा समझा था। ओके शाकल कुछ कर, शाकल यार तू तू ही कुछ कर सकता है। ओ नो ओ नो, वो फ्रीज हो गया मैं भैंस की मेरी हेल्थ। ओ नो गाइस ही इज सो क्रेजी मैन। यस 1000 एचपी आ गई उसकी, बस एक दो बार और। ओ नो कम ऑन शाकल कुछ कर यार, मार उसको। ओ नो गाइस यार रीलोड होना गन जल्दी, क्या भैंस की पाग। छपरी गन है गाइस, कुछ ज्यादा ही छपरी गन है। ओके ओ नो ओ कम ऑन शाकल यार, पाल मार उसको। मेरे को ना गाइस उसका टेलीपोर्ट होने का पावर यार सीरियसली काफी खतरनाक लग रहा है। एक सेकंड यार मैं क्रॉस बुक आई गाइस यूज कर लेता हूँ। मरा मरा, ओ भाई वो सीधा मेरी तरफ आके टेलीपोर्ट हो रहा है। ओ नो ये मेरे को आग लगी है, आग लगी है यार सीरियसली। अपना क्रॉस बो बढ़िया यार, वो तगड़ा डैमेज। ओ शिट भाई साहब, भाई मैं ना मैं सीरियसली समझ रहा था ये एकदम इजी होगा इसको डिफीट करना। भाई उसने मेरे को पेल दिया यार। गाइस 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 यार मुझे ना यार अपने आई थिंक पेन किंग को ना साथ लाना चाहिए था यार, मे बी वो तगड़ा डैमेज करता इसको। आई मीन आर यू सीरियस मैन यार। गाइज मेरे को ना यार बहुत लेवल अलग। एक सेकंड एक काम करते हैं यार, मेरे साथ ना मैं डार्क पोकेमोन लेके चलता हूँ यार, ठीक है? क्योंकि डार्क पोकेमोन ना काफ़ी तेज अटैक करते हैं, जैसे कि कैटरेस। बट यार लेवल 1 की है कैटरेस, दूसरी कैटरेस कहाँ पे गई? एक और कैटरेस थी मेरे पास, या ये डे ड्रीम, ये भी तगड़ा डैमेज करते हैं। एक सेकंड एक काम करते गाइस, यहाँ से ना मैं दूसरे बेस पे निकल लेता हूँ। यहाँ पे अपनी कैटरेस होगी, उसका लेवल अप हो गया होगा, उसको लेके चलते हैं। भाई ये तो काफ़ी तगड़ा बंदा है यार, मुझे तो लगा मैं इसको इजीली हरा दूंगा। अरे ये मैं कहाँ पे आ गया भैंस की मेरा। ओके ये रहा मेरा बेस। ओके बेस पे चलते हैं और यहाँ से हम लोग इसको लेके आएंगे, ठीक है? कहाँ पे की? ओके हाँ ये वाली इसको। ओके भाई लेवल 22 की हो चुकी है, तो इस जगह पे इस कैटरेस को यहाँ पे बुलाते हैं, ठीक है? एंड इसको अपने साथ लेके जाने वालों में, ठीक है? इसको लेके चलते हैं क्वायरन की जगह पे। ये नुबड़ा कहीं का कुछ करता नहीं है। देखो ये जो डार्क पैल्स होते हैं ना काफ़ी तगड़ा डैमेज देते हैं, तो आई थिंक वी आर रेडी। अभी वापस निकल लेता हूँ मैं जहाँ पे मेरा सामान पड़ा है, कहाँ पे? ओके यहाँ पे ना मेरे को। ओके ठीक है वापस निकलते गाइस। दिस इज सो स्कैरी यार, वो काफ़ी डरावना है। अभी मेरे को उसको फिर से पहनना पड़ेगा, बट यार वो गन की वजह से ना प्रॉब्लम हो गया यार। मेरे को सीरियसली अपना ना हमेशा की तरह यही यूज़ करना चाहिए था, क्या बोलते हो उस चीज़ को, अपना क्रॉसबो यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि क्रॉसबो तगड़ा डैमेज देती है। और इनकी भैंस की ये लोग, भाई ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेंगे ना? भाई ये तुम्हारा भाई है, प्लीज़ मारना मत, ठीक है? मारना मत मेरे को, मारना मत मेरे को। सामान दे दियो। ओके सामान तो मिल गया, इसको वापस बुलाते हैं और चलो डंजन के अंदर, उसको पेल लेके आए वापस से। इस बार गाइज वी आर प्रिपेयर्ड, ठीक है? कैटरेस जा पेल उसको। अभी देखो कैटरेस तगड़ा डैमेज करेगी मेरे को, तो लग तो रहा है। ओके मेरी क्रॉसबो कहाँ पे गई? अरे क्रॉसबो एक सेकेंड, क्रॉसबो 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 यहाँ पे आ जा। अरे यार क्रॉसबो। ओके कैटरेस कम ऑन। शिट शिट शिट। ओके भाई डैमेज तो कर रही है, 1600 हो गया। भाई टोपी वाला बंदा बहुत पावरफुल है। कम ऑन कैटरेस मार उसको, डैमेज तो दे रही है वो। ओके 1500 एचपी आ गई उसकी। क्रॉसबो यार बढ़िया है सीरियसली गाइस, क्रॉसबो बढ़िया है, आई स्वेयर क्रॉसबो बढ़िया है। ओम भाई भाग भाग कैटरेस, वापस जा कैटरेस। मेरा ना कंट्रोल ठीक से काम नहीं कर रहा यहाँ पे, इसकी भैंस की डेंजर में है वो। ओके शाकल को भेजते। ओके ड्रैगन को भेजते, मे बी ड्रैगन कुछ करेगा। 700 एचपी आ गई उसकी, ऑलमोस्ट गाइज ये मरने वाला, ठीक है? रॉबिन क्विल को बुलाओ क्या एक बार में गाइज? रॉबिन को बुला दो तो आई थिंक काम हो जाएगा गाइज, ठीक है? नहीं यार उसको ही पहन लेते, ठीक है? अरे यार अटैक वेस्ट हो गया ये। शेट 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 कम ऑन 300 एचपी बची है गाइज, आई थिंक हम लोग उसको पहन लेंगे गाइज। यस वी आर क्लोज गाइज, वी आर क्लोज टू द विक्ट्री। ये अरे मिस हो गया शॉट तेरी भैंस की। 200 एचपी बची है भाई उसकी। अभी आई थिंक ये अपना कोई पावरफुल मूव आजमाने वाला है। उसने उसको भाई, उसके पास ना फ्रीज करने की भी पावर है, मतलब ये अगर मिल गया ना भाई जिंदगी बन जाएगी सीरियसली। वो टेलीपोर्ट होने वाला है, वो टेलीपोर्ट होने वाला है। ओ बोल के टेलीपोर्ट होता है,
एक बार देखें। ओके यार 0.32, नहीं ये कैप्चर नहीं होगा। ओके भाई 4% है ओनली रेट उसका। ओ इसको आई थिंक पता चल चुका है, मैं उसको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। ओके मेरा चिलेट गाइज डेंजर में है। ओके जा चिलेट तू जा, अभी आखिरी का कुछ अटैक कर। आई थिंक अनुबिस को बोलना चाहिए मुझे, अनुबिस तो मेरे पास है ही नहीं। ठीक है ओके ओके एक सेकेंड, 69 HP बची उसकी। एक सेकेंड गाइज मुझे ना दूसरा स्पेयर यूज करना है। ओके अरे नहीं यार यहाँ पे नहीं, एक सेकेंड ओके 3% में भी हो जाएगा, या गीगा स्पेयर भी है मेरे पास। ओके अगर इससे नहीं हुआ तो गाइज इससे हो जाएगा। ठीक है 15 यस 47 गाइज एक और बॉस किल हो गया और हमको भाई मिल गया टोपली, जो भी चीज थी भाई। सीरियसली मेरा ना दिमाग खराब कर दिया था, मेरे को प्रीशियस भाई इसका हर्ट मिला है क्या, 4 मिला है मेरे को ये। ओ गाइज लेट्स गो, बहुत बढ़िया भाई खाना खा लेते हैं। और मेरे भाई पाल्स की ना लिटरली वाट लगी थी सबकी हेल्थ, वो खा गया भाई वो बंदा। बट गाइज वी डिफेटेड हिम, मजा आ गया भाई, आई एम सो हैप्पी। एक नया बंदा मिला है बट उसका लेवल यार मेरे को ना बढ़िया लग रहा है, मतलब काफ़ी वो टेलीपोर्टेशन का मेरे को उसका पावर बहुत बढ़िया लगा। और अभी ना यहाँ से मैं निकल ले तो अपने बेस पे वापस, यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इसको कलेक्ट करते हैं। ओ यस यार मेरा कंट्रोल बटन ना किसी काम ही नहीं करता, मतलब अटक जाता है बीच बीच में। यहाँ से थोड़ी सी मेरे को ये मिल जाएगी। ओके और यहाँ पे नीचे क्या है, इधर भी आई थिंक तगड़े पैल्स होंगे बट अभी यहाँ, अरे यार मैं नीचे गिर गया। अभी यहाँ से गाइज निकल लेते अपने बेस पे वापस, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को आज के एपिसोड में एक और बॉस को पेलना है। तो अभी यहाँ से निकल लेते, मैं भी आसपास ही, वैसे यहाँ पे आसपास मैंने ना एक बॉस देखा था, वो ब्रॉन्ची नाम का, यहीं पे रहता है वो। और ये ड्रैगन्स पता नहीं यार मेरे दुश्मन कब से हो गए, या ना जैसे इनके पास जाता ना मेरे को अटैक करना शुरू कर देते हैं पता नहीं क्यों। अभी देखो मेरे को मारने की कोशिश करेंगे ये लोग, प्लीज़ कुछ नहीं किया मैंने, मेरे को जान दो। देखा म्यूजिक शुरू हो गया, मतलब मेरे को ये पेलेंगे बट मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके गाइज वी आर सेफ, हमने ब्रॉन्ची को हरा दिया। अभी मैं मेरा आई थिंक आ गया होगा यहाँ पे, लेट मी चेक उसका लेवल अभी, वैसे कितना लेवल होगा उसका बॉस। हाँ ये रहा इसका डैमेज भाई 336 डैमेज है, ये काफ़ी इंजर्ड हो गया, अब इसको मेरे को ठीक करवाना पड़ेगा। ओके बट ये रनर काफ़ी बढ़िया है, टेलीपोर्टेशन इसका पावर बढ़िया है और बाकी तो ठीक ठाक ही है। तो इसको बेस पे बुलाते, हाँ गाइज उसको ना बेस पे बुलाते हैं। मे भी ये एक काम करते हैं, इसको हम लोग बुलाएंगे ये काउ की जगह पे, क्योंकि दूध तो हम बाय कर ही सकते हैं ना, मे भी बाय कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे बुलाते हैं, अभी ये आते ही सो जाएगा आई थिंक। ब्रॉन्ची बुशी, ब्रॉन्ची नहीं बुशी नाम है यार सीरियसली, बट ये काफ़ी चीज़ प्यारी है भाई। अभी ना वो सीधा यहाँ से सोने के लिए चला जाएगा और अभी यहाँ से ना चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है भाई। ये कितने सारे एरोज, गोल्ड के कॉइन 500 मिल गए, बहुत बढ़िया। और अपना अनुबिस क्या कर रहा है, अनुबिस सो गया क्या? अनुबिस यार बहुत बढ़िया काम करता है, वेर इज माई अनुबिस भाई? अनुबिस वैसे पत्थर, हाँ वो पत्थर भी उसे तोड़ सकता है आई थिंक, वो कुछ कर पता नहीं वो कर क्या रहा है। बट आई थिंक गाइस अभी ना अंधेरा हो रहा है तो सो ही लेते, और वैसे भी मेरे को ना अभी एक और अनुबिस चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना थोड़ा सा हनी लेके आते हैं, और हनी के लिए मैं सोच रहा हूँ उस हनी भी को एक बार उस बॉस को भी हरा दे। ठीक है आज हम लोग 2 बॉसेस को हराएंगे, मैंने सोच के तो रखा है वैसे। और वैसे भी एक काम करते हैं यार, बॉसेस को हराने से पहले ना अभी थोड़ा सा गाइस टेक्नोलॉजी पॉइंट मेरे पास आ गए, एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मेरे पास 4 है, तो इनमें से देखते हैं मैं क्या बना सकता हूँ। एंशिएंट ये फीडबैक है, स्मॉल फीडबैक, इसके अंदर मैं पैल्स के लिए आई थिंक खाना दे सकता हूँ, मतलब वो ऑटोमेटिकली खाना खा लेंगे। मेरे पास ये एक है एंड और क्या मेरे पास, ओह मेगा क्रैपिंग गन लेवल 2, ओह ये मिल गई तो भी मज़ा आ जाएगा, मतलब ना मैं और तेज़ चल पाऊँगा। और इसी के साथ साथ ये रिंग ऑफ मर्सी, द वेयरर्स अटैक विल नॉट रिड्यूस द टारगेट हेल्थ बिलो 1। ओके ये इससे मतलब द वेयरर्स अटैक विल नॉट रिड्यूस, तो मेरा अटैक कम नहीं होगा द टारगेट हेल्थ बिलो 1। मेरे को इसका समझ नहीं आया बट आई थिंक ये चीज़ तगड़ी होगी। तो इसको गाइज अनलॉक करें क्या, ये मर्सी रिंग गाइज अनलॉक करते हैं, ठीक है मुझे लग रहा है बढ़िया चीज़ होगी ये। और मेरे पास अभी भी 2 पॉइंट बचे हैं। ये हिप लैंथन क्या है, अ लैंथन दैट कैन बी अटैच टू हिप, इट लाइट अप्स ऑटोमेटिकली एट नाइट। ओह तो अंधेरा होने के बाद ये ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा, बट ये नहीं चाहिए मेरे को, कोई और चीज़ लेते हैं। ये क्या, एंटिक ड्रेसर, ड्रेसर यूजफुल फॉर गिविंग यूर सेल्फ अ रिमार्क, अलाउज प्लेयर टू एडिट देयर अपीयरेंसेस। नहीं ये नहीं चाहिए, बकवास चीज़ है ये। और क्या, सिंगल शॉट स्पेयर लॉन्चर, कैन कैप्चर डिस्टेंस पाल, रिक्वायर्स वेपन। ओह इसके साथ मैं ना गाइस लॉन्च कर सकता हूँ, मतलब दूर वाले पैल्स को पकड़ सकता हूँ, तो ये अनलॉक भी कर सकता हूँ मैं भाई। काफ़ी सारी चीज़ है बट अभी मैंने एक तो कर लिया, अभी ये बाकी की चीज़ें, रिंग ऑफ मर्सी आई थिंक मेरे को ऑटोमेटिकली मिल जाएगी क्या, कहाँ पे रिंग ऑफ मर्सी गाइस, इसको क्राफ्ट करते हैं। ठीक है स्टार्ट प्रोडक्शन। अनुबिस कहाँ पे, अनुबिस यार अनुबिस, इसका ना गाइज अनुबिस का मेन टास्क ना गाइज मैं ओनली ना रिपेयरिंग का, मतलब उसको क्राफ्टिंग का बोल देता हूँ। ओके वो आई थिंक क्राफ्टिंग करने के लिए जा रहा है, बट अभी ना गाइज जल्दी से चलते हैं, उसका ना वर्क प्रेफरेंस में चेंज कर देता हूँ। ठीक है यहाँ से इसका हम लोग वर्क प्रेफरेंस चेंज करा पाएंगे अनुबिस। तो इसका वर्क प्रेफरेंस ओनली हैंडीक्राफ्ट के लिए रहेगा। ठीक है इसका यहाँ से ये निकाल देता हूँ मैं, माइनिंग वो नहीं करेगा और बॉक्सेस भी वो नहीं उठाएगा, ओनली वो हैंडक्राफ्ट का काम करेगा, क्योंकि भाई वो काफ़ी तेज़ है उसमें, और आई थिंक उसने बना भी दिया होगा अभी। लेट मी चेक, बना दिया, ओ बना दिया क्या, ओ बना भी दिया
ओके, तो ये रिंग कहाँ पे पहनने का है? यहाँ पे, कहाँ पे? मे बी इसके जगह पे। ओके, इसके जगह पे लगाने का आई थिंक। तो ये वाला जो पेंडेंट है ना गाइस, इसको मैं स्टोर कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम लोग यहाँ पे रखवाएंगे। यार मेरे पास तो एक वो स्टोरेज का भाई बहुत इशू है, तो इसको पेंडेंट को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। और ये मेरे को प्रीशियस ये मिला था ना, ये भी भाई बढ़िया चीज़ है, ये भी ना मैं स्टोर कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है? ओके गाइस, वी आर रेडी। मैंने आर्मर रिपेयर कर लिया एंड अभी हम लोग वापस फास्ट ट्रैवल करके जाने वाले हैं एल्फिल्ड्रिन के पास, या मे बी मैं क्वीन बी के पास भी जा सकता हूँ, आई डोंट नो, लेट्स सी। मे बी जो पास में होगा ना उसके पास जाएंगे। बस यार ये मेरे को यहाँ पे आने का बस एक ही ना चीज़ अनोइंग लगती है कि यार वो जो तितलियाँ है ना यार, बहुत तेज़ और कुछ ज़्यादा डैमेज देती है मेरे को। अभी ये एल्फिल्ड्रैन कहाँ पे आई थिंक ऊपर की तरफ था ना। ओके, एल्फिल्ड्रैन पीछे इधर है, एल्फिल्ड्रैन इधर है ना, नहीं इधर है। ओके आई थिंक ऊपर। ओके गाइस, तो ऊपर वाली जो जगह है वहाँ पे एल्फिल्ड्रैन रहता है। अगर यार मैं वहाँ पे मर गया तो वहाँ पे आई थिंक कोई फास्ट ट्रैवल होगा। हाँ, ऊपर गाइस एक फास्ट ट्रैवल है, तो उसी के पास चलते, ठीक है? हम लोग आज उसी को पे लेंगे, मे बी वो पकड़ में आ जाएगा, एंड अगर नहीं भी आया तो नेक्स्ट एपिसोड में उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। आज तो मैं एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहता हूँ, ठीक है? ये रहा फास्ट ट्रैवल, यहाँ पे सबसे पहले फास्ट ट्रैवल को अनलॉक करते हैं। यहाँ पे एक रॉबिन क्विल भी है, और भाई ये पक्षी उड़ने वाला, ये वापस आ गया, ये मेरे ऊपर देखो भी अटैक करेगा विदाउट एनी रीज़न। अनलॉक, ओके फास्ट ट्रैवल अनलॉक हो गया। और ये किसका बेस है भाई? ओ फ्री पाइल अलायंस है यहाँ पे। ये एल्फिल्ड्रैन कहाँ पे रहता है? मैं यहाँ पे किसी के साथ पंगे तो नहीं लेने वाला, ठीक है? अरे एल्फिल्ड्रैन कहाँ पे गया? अरे मैं काफ़ी दूर आ गया आई थिंक। एल्फिल्ड्रैन इधर रहता है क्या? आई थिंक मैं ज़्यादा ही दूर आ गया गाइज। इनके इनके बीच में ही मारामारी चल रही, ठीक है? तुम लोग वही मारामारी करो, कुछ भी करो। कहाँ पे गया एल्फिल्ड्रैन? वो रहा गाइज एल्फिल्ड्रैन जिसका लेवल 30 है, 2000 HP है भाई की। सो या वी आर गोइंग टू अटैक हिम। बट यार सबसे पहले मैं इनको पेल देता हूँ यार, ये नल्ले कहीं के, ये फ्री पाइल अलायंस वाले ना बीच में आके आई थिंक अटैक कर देंगे मेरे ऊपर। तो इससे उतरते और सबसे पहले मैं इसको पेल देता हूँ, ठीक है? गन को रीलोड कर देता हूँ, चल जल्दी रीलोड हो जा गन। इसको सबसे पहले पेलते हैं, हम बाद में उसको पेलेंगे, ठीक है? ओके, रीलोड तो होगी ये गन। यस, ओ मर गया। अरे ओ कुछ नहीं हुआ। ओ ओके, हो गया गाइस, उसकी हेल्थ तो आधी चली गई है, अभी बस थोड़ा सा ही बचा है। यार ये एक सेकेंड, क्रॉस बो से काम चलाना पड़ेगा। ओके मर गया। अरे आई मीन मर, अबे मर क्यों नहीं रहा भाई? ये कौन सा हैक है भाई? ये मर क्यों नहीं रहा? व्हाट द हेल। और ये पंछी भी आ गए। ओके वो उनको पेल रहा है, ठीक है भाई? तुम लोग पेला पेली करो यहाँ पे मेरे भी भाई। बट ये मर क्यों नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओके तू तो क्या बेटे भाई, उसकी सारी HP चली गई है। ये कोई ग्लिच लग रहा है मुझे। ये लोग ये मरते नहीं है क्या? ओके ओके मर गया। ये भैंस की भाई, तुम लोग ना ऐसी की तैसी है। मेरे को यार उड़ने वाले सीरियसली बहुत अनोइंग लगते हैं यार, और ये हर जगह पे होते हैं। अभी मैं किसको मारूं? मेरे को यार एल्फिल्ड्रैन को पेलना था। अगर एल्फिल्ड्रैन को मारते मारते अगर ये बीच में आ गया ना भाई, मेरी वाट लग जाएगी, ठीक है? सबसे पहले मेरे को इनको पेलना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ओ भाई मेरे ये हेल्थ काफ़ी डैमेज कर देंगे यार। शूट 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 शूट, जल्दी 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 रीलोड। ओके ओके, इसको शॉक लगाए, जल्दी यार जल्दी गन काम कर दे। ओके यस, कुछ नहीं हुआ उसको। सीरियसली गाइस ये गन बकवास है यार। मुझे लगा यार मेरे को ना इस गन से यार सीरियसली बहुत उम्मीदें थी, मुझे लगा अपना सारा काम हो जाएगा। यार मेरे को एल्फिल्ड्रैन को मारना है यार, तुम लोग बीच में काहे आते हो? आई जस्ट हेट हिम। एक सेकंड में किसी को भेजता हूँ यार, जा कैट्रिस मार उसको। तभी सोचूं मैं मेरी मदद कोई क्यों नहीं कर रहा, ये बाहर नहीं था। ओके ठीक है, वो मर जाएगा आई थिंक, और टक गया आई थिंक वो। ओके मार उसको गधा की ही का, तेरी भैंस की। ओके मर गया गधा कहीं का। भाई एक और बचा है। ये एल्फिल्ड्रैन तो भाई दूर ही रह गया, मेरे को इनको ही मारना पड़ रहा है। कहाँ पे गया वो? या मर गया आई थिंक, ही इज डेड। ओके गाइज मर गया ये, ठीक है? अभी बारी एल्फिंडन को मारने की। हम लोग इसको मारने आए थे, और भाई मेरा खामो का आर्मर यार थोड़ा सा ओके ठीक ठाक ही है। सो गाइज वी आर रेडी। पेन किंग को बेस्ट है, ठीक है? वो बढ़िया अटैक करता है। यस देखने में तो ये चीज़ बहुत क्यूट है, बट तगड़ा डैमेज देती है मुझे पता है। उड़ता है भाई वो हवा में, बहुत तेज उड़ता है। ओके भाई ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। कम ऑन पेन किंग, यस उसको फ्रीज कर दिया आधा अधूरा। लेट्स गो, तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। ओके 2600 भाई, ओनली 100 HP गई है उसकी। वो मेरे पीछे आ रहा है। ओ बहुत तगड़ी पावर से भाई के पास।
ओके पेन किंग काफी पेल रहा है उसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 600 एचपी आ गई उसकी। ओ बचो बचो बचो, मेरा कंट्रोल काम नहीं करता इस गेम में पता नहीं क्यों। ओ भाई ये क्या शिट। ओ नो गाइस गाइस ही इज सो पावरफुल यार, लेवल 30 का है ना दैट्स व्हाई। और मेरा यार लेवल 22 यार, मुझे ना बहुत जल्दी गाइस लेवल अप करना पड़ेगा, और लेवल अप करने के लिए ना मेरे को बहुत सारे पैल्स पकड़ने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में गाइस मेरा पूरा टास्क रहेगा, मैं जल्दी से अपना ना लेवल अप करूं। भाई क्या पावर है उसके पास। ओ भाई कम ऑन, अरे नहीं कम ऑन। पेन किंग की एचपी अभी भी काफी बची है, ठीक है। ओके वो डेंजर में है, इसके जगह पे भेजते रॉबिन क्विल को। रॉबिन चल। ओ वो उड़ के मेरे पास आ रहा है। ओ उसने वो छोड़ दिया। चट। ओके वो चला गया जो भी चीज थी वो। भाई उसके ओनली 200 एचपी गई है। ओके कम ऑन। ओके 2400 लेट्स गो। ओके उसने उसको पकड़ लिया है। कम ऑन पिछवाड़े से अटैक करते उसके ऊपर। भाई डैमेज आ गया। ओके पत्थर के पीछे छुपते हैं और रॉबिन क्विल डेंजर में है। मैं तो गया गाइज। कोई जा। ओके शाकाल कम ऑन शाकाल पेल उसको। भाई इट्स सो पावरफुल यार। मेरे पीछे आ रहा है। कम ऑन शाकाल। भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ है, लिटरली कुछ भी नहीं हुआ है। ओके वो आई थिंक वो ये छोड़ने वाला है। बच गया भाई बच गया। ओ अरे नहीं यार डैमेज आ गया मेरे को। ओ मेरे पीछे आ रहा है। बच गया। ओ शूट भाई साहब। गाइज ये बहुत पावरफुल है। मुझे ना गाइज अभी ना गेम के अंदर सीरियसली बहुत जल्दी लेवल अप करने की ज़रूरत है यार। मैं उसको मुझे वैसे लगा ही था मैं इसको पकड़ नहीं पाऊंगा, बट स्टिल मैंने कोशिश करी। अभी एक सेकेंड, मैंने वहाँ आपका कोई फास्ट ट्रैवल अनलॉक करा था ना। अरे यार फास्ट ट्रैवल मैंने इधर का एक अनलॉक करा था। ओके सबसे पहले बेस पे जाना पड़ेगा और मैं फिर फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ यार। दिस इज़ वाई ना गाइज हमको सबसे पहले ना बहुत जल्दी लेवल अप करने की ज़रूरत है। अभी ना गाइज मैं नेक्स्ट एपिसोड में ना बहुत सारे नए पैल्स को पकड़ूंगा ताकि अपना लेवल अप हो जाए। अभी मैं चलता हूँ और अपनी बॉडी लेके आता हूँ। भाई ये लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए यार। अभी मेरा ना लेवल 22 चल रहा है, एक बार लेवल 30 वगैरह आ गया ना भाई। भाई मेरे को जाने दो यार, मेरे कुछ नहीं करा है तुम्हारी ऐसी की तैसी। मेरे को बस मेरा सामान चाहिए, मैं एक बार सामान लेके जाऊँ यहाँ से, फिर गाइज ना यहाँ से मैं निकल जाऊँगा। सो नेक्स्ट एपिसोड में गाइज हम लोग इसको जरूर हराएंगे और मैं लेवल अप भी करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप वीडियो पसंद आएगा। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी नेक्स्ट वीडियो।